पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली ऐतिहासिक जीत रचा इतिहास। एक समय 99% हारे हुए मुकाबले को सिर्फ 2 ओवर में पलट दिया प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम को 67 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन दोस्तों, एक समय ये मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से 99% निकल चुका था और एक बचे हुए 1% चांस में टीम इंडिया ने इस मुकाबले में वापसी की है। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता है, तो यानी कि तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप भी देखते रहे इस वीडियो को पूरा आखिर तक, और आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं तो कर दीजिए वीडियो को दिल से एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज का ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि एक समय टीम इंडिया इस मुकाबले में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से शानदार वापसी करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीता। तो चलिए हम बात करते हैं शुरुआत से ही, जहां पर टीम इंडिया को शुरुआत में ही टॉस गंवाना पड़ा। टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप की, यानी कि भारतीय टीम ने 64 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गंवाया। रोहित शर्मा ने 42 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली और शिखर धवन ने शानदार शतकीय साझेदारी की और टीम के स्कोर को 169 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भारतीय टीम को 169 पर दूसरा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। कोहली ने भी शानदार 60 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, लेकिन यहीं से टीम इंडिया की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई, जहां पर टीम इंडिया ने 187 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर के रूप में तीसरा तो शिखर धवन के रूप में 197 रनों पर चौथा विकेट गंवाया। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के रूप में 205 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी भारतीय टीम 40.3 ओवर में। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए केएल राहुल और डेब्यू कर रहे कुणाल पांड्या ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। केएल राहुल और कुणाल पांड्या ने मिलकर आखिरी 57 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 112 रनों की अविजित साझेदारी की, यानी कि नाबाद 112 रनों की साझेदारी की मात्र 57 गेंदों पर, जहां पर कुणाल पांड्या ने मात्र 31 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर केएल राहुल ने 43 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। काफ़ी दिनों के बाद केएल राहुल शानदार फॉर्म में लौटे, तो वहीं पर कुणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कुणाल पांड्या ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम ने 317 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद बारी थी इस लक्ष्य को डिपेंड करने का, यानी कि 318 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और पहले विकेट के लिए मात्र 14.2 ओवर में 135 रन जोड़ दिए, जहां पर जेसन रॉय और जॉनी बेरिस्टो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पहला विकेट रॉय के रूप में गिरा, जिनको प्रसिद्ध कृष्णा ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच करा दिया और पहला विकेट गिरा 135 रनों के स्कोर पर। लेकिन यहीं से टीम इंडिया की वापसी शुरू हो गई और इसके बाद बेन स्टोक्स के रूप में दूसरा विकेट गिरा 137 पर, तो जॉनी बेरिस्टो के रूप में 169 पर तीसरा विकेट गंवा दिया इंग्लैंड ने। बेरिस्टो शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर आउट हुए और उन्होंने शानदार मात्र 67 गेंदों पर 94 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करें यहां पर एक ही ओवर में मुकाबला पलटने की बारी आई तो एक बार फिर शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया के लिए काम बेहतरीन किया है। उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, जिसमें यान मॉर्गन और जॉस बटलर दोनों के विकेट शामिल थे, यानी कि टीम ने 175 और 176 रनों पर 2 विकेट गंवाकर मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय टीम की वापसी हुई। यहां पर शानदार गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने, तो इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लगातार विकेट चटका कर दिए टीम इंडिया को, और इंग्लैंड की टीम का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। जहाँ तक बात करें पहले विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इसके बाद पूरी टीम 135 रनों के बाद सिर्फ 116 रन ही और जोड़ पाई और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की टीम ने 251 रन ही बना पाए 10 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ने 67 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार डेब्यू किया और 8.1 ओवर में 1 वेंडल डालते हुए 54 रन देकर 4 विकेट प्राप्त किए, तो वहीं पर शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3, तो कुणाल पांड्या को 1 और भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट मिले। भारत की तरफ से इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले
शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन टीम इंडिया की जीत में सबसे अहम भूमिका प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने निभाई, जो एक समय हारे हुए मुकाबले को टीम इंडिया के लिए पलट कर जिता दिया। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 7 विकेट चटकाए और इंग्लैंड के हाथ से जीत छीनकर वापस भारतीय टीम की झोली में डाल दी और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो दोस्तों, आपको आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन सा खिलाड़ी लगा और कौन कौन से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस शानदार रहा आपके हिसाब से, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।